आज मैं आई हूँ स्पंदन आयुर्वेदिक क्लिनिक में अपना नाड़ी परीक्षण कराने के लिए और साथ ही अभ्यंगम बॉडी मसाज भी आज मैं ट्राई करूंगी। सो यहाँ पे डॉक्टर प्राजक्ता हैं जो नाड़ी परीक्षण करके हमें हमारी प्रकृति बताती हैं। प्रकृति क्या होती है ये मुझे नहीं पता था, मैंने फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुना था। सो डॉक्टर प्राजक्ता ने मुझे पूरा एक्सप्लेन करा। सो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करा अगर आप मेरी ऑडियंस को भी प्रकृति और नाड़ी परीक्षण के बारे में थोड़ा सा बताएं तो उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा, एंड शी अग्रीड टू दैट। और प्रकृति क्या होती है वो आप वीडियो में आगे देखोगे, किस तरह से नाड़ी परीक्षण हमें रियल लाइफ में हेल्प करता है, एवरीथिंग आई एम शेयरिंग इन दिस वीडियो। और ये है इनका ट्रेडिशनल मसाज रूम जहाँ पे आयुर्वेदिक मसाजेस प्रोवाइड कराई जाती हैं और डिफरेंट बॉडी मसाजेस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मैं आज अभ्यंगम बॉडी मसाज भी लेने वाली हूँ, आई विल बी शेयरिंग अहेड। लेकिन सबसे पहले जानते हैं नाड़ी परीक्षण और प्रकृति के बारे में। सो बेसिकली आयुर्वेदा सेज दैट बॉडी इज मेड अप ऑफ थ्री ह्यूमर्स, वात, पित्त एंड कफ। सो लाइक वी हैव पंचभूत आउटसाइड, बॉडी ऑल्सो हैज पंचभूत। सो दीज थ्री दोषज आर मेड अप ऑफ पंचभूत। लाइक कफ इज मेड अप ऑफ पृथ्वी एंड जल महाभूत, ओके। वायु इज मेड अप ऑफ वायु एंड आकाश, एंड पित्त इज मेड अप ऑफ फायर, अग्नि एंड वायु, ओके। सो यही होती है बॉडी में चीजें, और कुछ होती नहीं है। हर इंसान अलग है, सब सेम नहीं है। तो हर इंसान में कोई कोई चीज ज्यादा होती है, कोई कोई कम होती है। तो बाय इनहेरिट, बाय बर्थ या बाय जीन्स, जो चीजें कम ज्यादा होती है बॉडी में उस हिसाब से हम प्रकृति बताते हैं। जो दोष ज्यादा रहता है वो बॉडी को ड्राइव करता है या उसके हिसाब से उसके लक्षण मिलते हैं। जैसे अगर वात प्रकृति का इंसान आप देखेंगे तो नॉर्मली बहुत टॉल होता है, उसके बोन्स काफी स्ट्रांग होते हैं, और थोड़ा सा इनडिसिसिव रहता है, कभी ये कभी वो, मतलब चंचल, जिसको बोलते हैं चंचल प्रकृति, वैसी रहती है। फिर इनको अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है इनको वात के प्रॉब्लम्स, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, हेयर फॉल हो गया, ड्राई स्किन हो गया, ये सब रहता है। तो उसके हिसाब से उसको फिर वैसी दवाइयाँ करनी चाहिए। सिमिलरली पित्त आप देखो तो उनकी स्किन ब्यूटीफुल होती है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर हाई रिस्टिक। ये नॉर्मल पित्त प्रकृति के कुछ लक्षण मैं बता रही हूँ, बहुत सारे हैं बट मैं बेसिक बता रही हूँ, है ना। और उनमें जो डिसीजेस जनरली मिलती हैं वो मिलती है माइग्रेन, स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स, थोड़े से जैसे सोराइसिस, एक्जिमा, इस टाइप के डिसऑर्डर्स, या फिर एसिडिटी, ये पित्त वालों में ज्यादा मिलता है। और कफ के जो लोग रहते हैं उनकी बॉडी वेल बिल्ट रहती है, ओके, एंड दे आर मोर स्टेबलाइज, दे आर मोर व्हाट यू से, दे आर वेरी स्लो, दे आर स्लो टू स्टार्ट बट दे विल फिनिश द वर्क। पित्त वाला जो है वो जल्दी काम चालू करेगा, आधे में छोड़ देगा। वात वाला सोचता ही रहेगा चालू करूँ कि नहीं करूँ, और करेगा तो फिर फटाफट कर देगा, पूरा नहीं करेगा। जैसे पित्त प्रकृति सुकुमार बोली गई है, मतलब उनको बहुत ज्यादा मेहनत या बहुत ज्यादा धूप में जाना ये मना किया है। वो लोग ऐसा करेंगे तो उनको प्रॉब्लम होगा। जैसे आजकल सभी मैराथन दौड़ रहे हैं, तो मैराथन हर आदमी नहीं दौड़ सकता। हर आदमी अगर 10 किलोमीटर मैराथन दौड़ने लग गया तो उसको प्रॉब्लम होगा। तो कफ वाला आदमी जो है उसके बिल स्ट्रांग रहती है, उसका सहन शक्ति ज्यादा रहता है, और उसको वेट भी ज्यादा रहता है, तो वो ज्यादा भागेगा तो उसके लिए आसान है, तो वो मैराथन रनर हो सकता है। बट जो पित्त वाला है ही इज फास्ट, सो ही कैन बी 100 मीटर रनर, ओके, छोटी रेस, छोटी रेस फास्ट ऐसे, है ना। एंड वात वाले इज इन बिटवीन, लाइक यू नो, वो तो ऐसे, वो सब लक्षण। तो हमको कोई भी आयुर्वेद के आचार्य के पास जाके हमारा नाड़ी परीक्षण से हमारी प्रकृति पता कर लेनी चाहिए, फिर उसके हिसाब से आयुर्वेद को फॉलो करना चाहिए कि पित्त के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, उस हिसाब से। तो हर रूल जो आजकल सब आ रहा है ना कि हर एक जन ये पी लो या हर एक जन ये कर लो, तो सबके लिए सब सही नहीं होता है। क्या सही है ये आपकी प्रकृति आपको बता दे। ओके, सो नाड़ी परीक्षण से बेसिकली हम ये देखते हैं कि कौन सा इंबैलेंस बड़ा है, बड़ा हुआ है। सो तीनों कभी एक साथ नहीं बढ़ते? नहीं, सब लोगों में तीनों रहते हैं, बट तीनों एक साथ नहीं बढ़ते हैं। तीनों अगर समान रहेंगे तो वो देव प्रकृति बोली जाती है, मतलब भगवान में ही वैसा मिलता है। फिर हम जो इंसान रहते हैं उनमें कोई द्वंद्वज प्रकृति होती है, कोई भी दो दोष बढ़े हुए रहेंगे। सो इस तरीके से किया जाता है नाड़ी परीक्षण, जिससे हम अपनी प्रकृति जान सकते हैं। सो योर बेसिक कंस्टिट्यूशन इज पित्ता एंड वात, ओके, दैट्स व्हाई योर स्किन इज गुड। In younger days, you had a good figure and everything. Okay, that is because of the pitta in your body. Okay. But as time have passed and with all the work that you are doing, your vata has increased, okay, which is displacing your pitta. So earlier your metabolism was good. Yes. But now even if you eat less,
kind of tend to put on. And all this is not a lot of weight. It is more of like a balloon thing. Yes, exactly. Okay. So that is due to Vata. It's due to Vata. So oil is your friend. Okay. Oil is my friend. Okay. Yes, oiling your body will really help you. Okay. Abhyangam. So in Diwali, you know, we have that Abhyanga Snan, first day of Diwali, where we get up and oil ourselves. Okay. From that day onwards, you're supposed to take everyday oil massages actually. Okay. In the winters. In the winters. Till December, January. Okay. Okay. But practically, if it is not possible for you, that's okay. You can just, you know, take it on over weekends. And every day, you can apply 4 drops of oil in your navel. Okay. Okay. And just do a light massage. Like any oil? Till oil is the best. Okay. If till oil is not available, then you can use any other oil. That's okay. But till oil is the best. Best. Okay. And then in Ayurveda, we have a lot of oils. There is Shirbala. If you are under stress, then the oil that we use is Shirbala. Okay. Okay. And Dhanvantara is there to improve the muscle tone. Okay. Murivenna is there to for pains. So like that. So you can connect with any doctor. And if required, we can shift. But basic oil is till oil. तो जैसे आप अभी पित्त प्रकृति है तो आपको बहुत ज्यादा गर्म चीजें नहीं लेनी है, बहुत तीखी चीजें स्पाइसी अवॉइड करना है और खट्टा अवॉइड करना है, ठीक है ना? बट आप मीठा खा सकते हैं तो भी उसका मीठा, लेकिन मीठा मतलब एकदम हैवी मीठा नहीं, लेकिन जैसे खड़ी शक्कर अगर आप खा लोगे जब आपको बहुत लो लग रहा है तो आपको एकदम अच्छा लगेगा। पित्त वालों के लिए ये रहता है, वात है ना थोड़े से इनडिसिसिव रहते हैं, बहुत फास्ट रहते हैं और मतलब तो उनको शांत करना जरूरी है, तो उनको मसाजेस इंपॉर्टेंट है और उनको जैसे खाने में भी थोड़ा ऑयल चाहिए या फिर वो एक चम्मच ऑयल लेके गर्म पानी पिए तो उनका वात थोड़ा सेटल होता है। तो वो कोई भी ऑयल पी सकते हैं क्या? हाँ मतलब अकॉर्डिंग टू प्रकृति, बट जनरली तिल ऑयल या फ्लैक्सीड ऑयल वर्क्स। ये हाँ फ्लैक्सीड फ्लैक्सीड हेल्दी रहता है, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ाएगा और सब सही ठीक करेगा। फिर हम बात प्रकृति के हैं तो उनको कैसे कैसे डिसीजेस हो सकते हैं ये भी आयुर्वेद में लिखा गया है। तो उनको जनरली मसल क्रैम्पिंग या आर्थराइटिस या स्पॉन्डिलाइटिस ये वात वालों को ज्यादा होता है। पित्त वालों को जनरली हाइपर एसिडिटी, माइग्रेन, स्किन इश्यूज ये ज्यादा होते हैं। और कफ वालों को जनरली जैसे वेट गेन, पीसीओडी, थायराइड ये सब कफ वालों को ज्यादा होता है। ओके तो ऐसा भी बताया गया है। तो फिर वो दोष को हम जब ठीक करते हैं तो वो डिसीजेस ठीक होती है। तो एक लाइफस्टाइल चेंज करके भी हम काफी सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो हम वही बोलियो ना, आयुर्वेद में पहले बोला गया है कि लाइफस्टाइल चेंज करो फिर ट्रीटमेंट। अगर आप लाइफस्टाइल सही रखते हो तो आपको डिसीज आएगा ही नहीं। एंड एज अ नेशन या एज अ दिस थिंग आल्सो वी शुड लुक एट बीइंग हेल्दी रादर देन ट्रीटिंग। एग्जैक्टली है ना। सो इट्स एंड कोई भी दुकान में बोल रहा है आयुर्वेदिक की ये ले लो वो अच्छा होता है वो ले लो। अभी जैसे अगर पित्त वाले को ये है कोलेस्ट्रॉल तो मैं उसको दालचीनी नहीं सजेस्ट करूंगी। बट वही कफ वाले को अगर कोलेस्ट्रॉल है तो मैं उसको बोलूंगी दालचीनी खा लो। ओके पित्त वाले को मैं गिलोय बोलूंगी और वात वाले को मैं त्रिफला बोलूंगी। तो ऐसे तो सबकी प्रकृति के हिसाब से ही उनको कौन सी आयुर्वेदिक चीज लेनी चाहिए, कौन सा लाइफस्टाइल क्या चेंज करना चाहिए वो प्रकृति के हिसाब से। तो ऐसे ही कुछ भी देख के करने से अच्छा है अगर आप एक किसी के साथ ये कर लो कंसल्टेशन कर लो और फिर आप स्टार्ट करो तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते। दिस इज अ रियली हेल्पफुल इंफॉर्मेशन, इससे काफी मदद हो जाएगी बिकॉज काफी बेसिक इंफॉर्मेशन है बट बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि शुरुआत कहाँ से करें। दैट्स व्हाई आयुर्वेदिक कोई भी दवाई देखते हैं तो सबको लगता है कि ये हम ले लेते हैं और फिर उसका रिजल्ट नहीं आता, नेगेटिव रिजल्ट आता है तो फिर लोग बोलते हैं मुझे काफी चीजें पता चलती है। अस्थमा का हिस्ट्री है, पीसीओडी का हिस्ट्री है, फैटी लिवर का हिस्ट्री है, ये भी हमको ना वो बट उसको प्रैक्टिस से आता है वो नाड़ी परीक्षण धीरे धीरे समझ आता है डॉक्टर्स को भी और पेशेंट को भी समझ आता है कि मतलब हम लोग सही बता रहे हैं कि नहीं। तो नाड़ी परीक्षण करिए, बाकी की हिस्ट्री बताइए एंड देन यू गो फॉर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स। दैट्स रियली ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन। या थैंक यू।
नाड़ी परीक्षण करवाने के बाद और अपनी प्रकृति जानने के बाद देन मैं गई अपने अभ्यंगम थेरेपी के लिए। ये एक फुल बॉडी ऑयल मसाज थेरेपी रहती है जो आपकी बॉडी को कम्प्लीटली रिलैक्स कर देती है। तो सबसे पहले उन्होंने कोम्ब एप्लीकेटर की मदद से ये हर्ब इन्फ्यूज्ड तेल मेरे स्कैल्प के ऊपर अप्लाई करा और मुझे 10 मिनट का एक अच्छा सा स्कैल्प मसाज दिया। देन मैंने चेहरे के ऊपर हल्का सा मेकअप लगाया हुआ था तो एक जेल की मदद से, ये भी आई थिंक आयुर्वेदिक जेल ही होगा क्योंकि एक अच्छी हर्ब्स की खुशबू आ रही थी इससे, मेरे चेहरे के ऊपर से मेकअप को क्लेंस करके रिमूव करा और फिर चंदन वाला फेस पैक अप्लाई करा। ये चेहरे के ऊपर काफ़ी सूदिंग और कामिंग फील दे रहा था मुझे। और उसके बाद फुल बॉडी ऑयल मसाज दिया। फुल बॉडी ऑयल के लिए भी उन्होंने हर्ब इन्फ्यूज्ड ऑयल ही यूज़ करे और मसाज करने से पहले उन्होंने मुझसे पूछा भी कि आपको कहीं पे बॉडी में पेन तो नहीं है, सो दैट दे कैन गिव मी मसाज अकॉर्डिंगली। तो ये काफ़ी रिलैक्सिंग फील था। अच्छे तरह से उन्होंने ऑयल अप्लाई करा एंड आई इन्जॉयड माई दिस अभ्यंगम बॉडी मसाज थरली। और मसाज के बाद मैंने लिया फुल बॉडी स्टीम। मैं यहाँ 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ पाई बट इस स्टीम ने मेरी बॉडी को कम्प्लीटली रिलैक्स कर दिया था। और इसके बाद मैंने हॉट शावर लिया एंड दे ऑफर्ड मी अ ड्रिंक एंड देन वी केम बैक होम।